गोविंद लाल की बेटी बाबा बागेड़ाड़े के सामने रोने लगती है। पूरी गोरखनाथ जी महाराज के चरणों में जाके अपना दुखड़ा सुनाती है और शंकर के अवतारी गुरु गोरखनाथ जी महाराज से लाल मांगती है। कवि ने एक भजन के माध्यम से क्या लिख दिया, कैसे ओ नाथ मेरी सुन लो ने, हाय नाथ मेरी सुन लो ने, मैं तो मांगू सूं एक लाल नाथ मेरी सुन लो ने, ओ ओ ओ नाथ मेरी सुन लो ने, आए नाथ मेरी सुन लो ने, ओ नाथ मेरी सुन लो ने, आए नाथ मेरी सुन लो ने, मैं मांगू सूं एक लाल नाथ मेरी सुन लो ने, ओ नाथ मेरी सुन लो ने, आए नाथ मेरी सुन लो ने, गणी दुखियारी सूं मैं बहुत गणी दुखियारी सूं, मैं बहुत गणी दुखियारी सूं, मैं बहुत गणी दुखियारी सूं, तेरे चरण में ध्यान लगारी सूं, तेरे चरण में ध्यान लगारी सूं, तेरे चरण में ध्यान लगारी सूं, तेरे चरण में ध्यान या दुनिया बोली मार करम की मारी सूं, ओ नाथ मेरी सुन लो ने, आए नाथ मेरी सुन लो ने, मैं मांगू सूं एक लाल नाथ मेरी सुन लो ने, आए नाथ मेरी सुन लो ने, आए नाथ मेरी सुन लो ने, कर्म लिखा योगी ना से, कर्म लिखा योगी ना से, मेरा कर्म लिखा योगी ना से, मेरा कर्म लिखा योगी ना से, मेरा छुट्टी क्या खाना पीना 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 से, तेरे दर पे जान गवाऊं मेरा के जीना से, ओ नाथ मेरी सुन लो ने, आए नाथ मेरी सुन लो ने, एक मांगू सूं मैं लाल नाथ मेरी सुन लो ने, ओ नाथ मेरी सुन लो ने, आए नाथ मेरी सुन लो ने, तेरे दाम पे पैदल आऊंगी,
मेरी सुन लो न, आए नाथ मेरी सुन लो न। इतनी बात उस बेटी की जब मकड़ोली धाम के महंत प्रदीप नाथ जी महाराज ने सुनी, प्यारे सजनों गुरु जी महाराज उस बेटी तनु बोले, बेटी तू रोवे ना, बेटी बाबा सबकी बिगड़ी बनावे तेरी भी बिगड़ी बनावेगा, बेटी तू चिंता ना करे। आखिरी गली में के बता दिया, प्रदीप नाथ तन बोले से, श्री प्रदीप नाथ तन बोले से, श्री प्रदीप नाथ तन बोले से, श्री प्रदीप नाथ तन बोले से, बाबा भरम के ताले खोले 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 से, गावे राज फूल कुछ रानिया कोयल सी बोले से, ओ नाथ मेरी सुन लो न, आए नाथ मेरी सुन लो न, ओ नाथ मेरी सुन लो न, आए नाथ मेरी सुन लो न। बोल गुरु गोरखनाथ जी महाराज की जय हो, मकड़ोली धाम की जय हो।